मास्क बनाने के लिए आप कोई भी कॉटन का फैब्रिक ले लीजिए, क्योंकि मास्क हमारे फेस के माउथ के पास रहेगा तो कॉटन का फैब्रिक बेस्ट है। इस तरह कॉटन का फैब्रिक ले लें और उसमें से 8 बाई 8 इंचेस, 8 बाई 8 इंचेस के पीसेस निकाल लीजिए। 8 इधर इस तरफ से और 8 इस तरफ से, एक स्क्वायर पीसेस। अगर आप सिंगल प्लाई बनाना चाहते हैं, 2 प्लाई 3 प्लाई, जितना प्लाई का बनाना चाहते हैं, यानी जितने लेयर्स आप देना चाहते हैं उतना सेम साइज का कट कर लीजिए। इसके बाद आपको इस फैब्रिक को चारों तरफ से इसका इस तरह से फोल्डिंग करके, इसकी जैसे एक रूटीन हल्की सी सिलाई होती है उस तरह से आपको सिलाई कर देना है। सिलाई करने से पहले आप चाहें तो आयरन से ये जो फोल्ड्स हैं आप इनको हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करके आप आयरन कर लीजिए, ताकि आपका जो सिलाई है वो काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि ये हल्का सा सिलाई, इसके ऊपर आयरन करने से ये हल्का फोल्ड हो गया है। इसी तरह से आप इन फोल्ड्स को रेडी कर लीजिए, ऑल 4 साइड्स। चारों तरफ से हम इसी तरह इसको रख के आयरन से सेट कर लेंगे। इसके बाद आप सफेद रंग का ही धागा, जिस फैब्रिक का जो भी कलर है आपका, उसी कलर का धागा लीजिए और इसको फोल्ड करके यहाँ पे पूरा तुरपन जैसा, तुरपाई जैसे करते हैं रूटीन सिलाई, उस तरह से इसको सिल दीजिए। आप यही सिलाई, आप सिलाई मशीन आप अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बहुत छोटा छोटा, क्योंकि ये हमारा अपर साइड रहेगा, इसलिए उस तरफ से बहुत थोड़ा सा नीचे जाके वापस ले आए धागे को। ज्यादा धागा इस तरफ में विजिबल नहीं होना चाहिए, जैसा कि रूटीन सिलाई में होता है। इस तरह से सुई डालते हुए आप आगे निकालते जाइए और इसकी सिलाई कर लीजिए। ये चारों तरफ से इसकी आप सिलाई कर लीजिए। इसके बाद ये आपको जो भी पेंटिंग इस पे बनाना है वो इस वक्त पे आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फोल्ड्स देने के बाद आपको ये करना मुश्किल होगा। पेंटिंग के लिए एक न्यूज़पेपर रख ले रही हूँ नीचे। इसके बाद मैं फैब्रिक के ही एक्रेलिक कलर्स या फैब्रिक कलर जो आते हैं वो यूज करूंगी। ये फैब्रिक कलर्स होते हैं, थोड़ा येलो कलर और थोड़ा रेड कलर में इसमें निकाल ले रही हूँ प्लेट में। ब्रश को मैं एक बार के लिए पहले वाटर में डिप करूंगी, ताकि ब्रश स्मूथ हो जाए, काम करने लायक हो जाए। इसके बाद एक साइड से येलो कलर, दूसरी साइड से ब्रश में रेड कलर, इस तरह से ब्रश में दोनों कलर लेंगे और उसको एक ही पोर्शन पे इस तरह हम इसको करेंगे। येलो थोड़ा और ले लेते हैं, येलो लाइट शेड हो रहा है, तो इस तरह करेंगे। इसके बाद इसको फैब्रिक को के ऊपर आप जो भी फ्लावर्स बनाना चाहते हैं, जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, वो आप इजीली बना पाएंगे। फिर से इसी कलर में हम इसको ब्रश को फ्लैटन करेंगे और जो कलर कम लगेगा उसको ऐड करते जाएंगे। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि ब्रश में कौन सी तरफ कौन सा कलर है, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज किया तो आपका पूरा जो डिजाइन है वो पूरा खराब हो जाएगा। और लास्ट में आप इसमें इस तरह से कलर को करते हुए बीच का जो पोर्शन है उसको हम फिल कर देंगे। तो ये एक छोटा सा फ्लावर बन गया है। इसी तरह से पूरा ये फैब्रिक हम प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद है वैसी डिजाइन्स आप कर लीजिए।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वाटर मिक्स नहीं करना है। जितनी देर आप वर्क कर रहे हैं आपको इसमें वाटर को बिल्कुल कलर में मिक्स नहीं करना है। ये फ्लावर्स बना ले, उसके बाद आप ग्रीन कलर लीजिए और ग्रीन कलर से आप पेटल्स, लीफ और इस तरह की चीजें बना ले। मैंने ग्रीन कलर लिया है, फैब्रिक कलर है ये भी। इसमें भी मैं थोड़ा सा येलो कलर ले रही हूँ क्योंकि वाइट मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड है फैब्रिक का। फिर से ग्रीन कलर ले रही हूँ और लिटिल बिट येलो। जिनसे कि हमें आइडिया लग जाए कि हमें लीफ कहाँ पे बनाना है। और उसके बाद आप इजीली अपने पेटल्स को बनाते जाइए। सिंपल मैंने इसको रखा है ब्रश को, क्योंकि इसमें दोनों शेड्स हैं ऑलरेडी, इसलिए लीफ में ये शेड अपने आप ऑलरेडी आ जाएंगे। आप रखिए और इसको स्प्रेड बनाते जाइए। बहुत ही इजीली ये सब चीजें आप घर पे अपना डेकोरेशन की तरह बना सकते हैं। ये हमारा इतना जब बन जाएगा, आपकी डिजाइनिंग जो भी है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इसको ड्राई होने दीजिए। देखिए सेंटर पार्ट जो है वो हमें इसका निकाल लेना है फैब्रिक का, तो हमें थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे दोनों तरफ इक्वल करके तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा सेंटर पार्ट है, सेंटर है ये फैब्रिक का। अब इस फैब्रिक के सेंटर तक हमें यहाँ से लाके इस तरह से इसको प्लीट बनाना है और दूसरी तरफ से हमें इस तरफ से ये दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है और इनकी सिलाई कर देनी है। जब आप इसको यहाँ पकड़ेंगे तो आप देखिए कि ये दोनों तरफ से इक्वल शेप पे आ रहा है, दोनों फोल्डिंग जो है वो इस सेंटर लाइन तक इक्वल आ रहे हैं। जब ये इस तरह हो तब आप वहां पे इसको बैक साइड से, जो फेस की तरफ रहेगा उस तरफ से बैक साइड से आप इसको सिलाई कर दें। दोनों तरफ से आप इसको सिल दीजिए, सिलाई करके आप यहां से इसको अच्छे से पैक कर दीजिए दोनों तरफ से। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा फेस फेस पे। केवल दो इलास्टिक या फिर जो भी डोरी है वो लेना है और इनको अटैच कर देना है कुछ इस तरह कॉर्नर्स पे। इलास्टिक लीजिए, इलास्टिक को कॉर्नर से आप इसकी सिलाई कर दें। दोनों तरफ से आप जब डोरी लगा देंगे तो कुछ मास्क इस तरह से हो जाएगा। इसको जब आप फेस पे लगा के ओपन करेंगे तो ये पूरा पेंटिंग ओपन होगा।